इतने बजे खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला। घोषित हुई टीम इंडिया की स्क्वाड, इन 18 खिलाड़ियों को मिला मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शुरू होने वाली 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है तो कई दिग्गज खिलाड़ी टीम में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, हम आपको पूरी स्क्वाड बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया की तरफ से कौन से वह 18 खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज़ में खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही इन मुकाबलों का पूरा शेड्यूल भी बताएंगे कि यह सीरीज कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में या फिर कहें तो इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस करे। तो दोस्तों, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले यह सीरीज खेलने वाली है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में टीम इंडिया के कई बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। खास करके KL राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं दिखेंगे। तो साथ ही साथ हार्दिक पांड्या भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में 4 दिग्गज खिलाड़ियों की जगह पर युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो टीम इंडिया में अभी भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। भारतीय टीम की कप्तानी की हम बात करें तो कप्तानी शिखर धवन के हाथ में होगी, तो साथ ही टीम के वॉइस कैप्टन के तौर पर संजू सैमसन होंगे। इसके अलावा दोस्तों, टीम में बल्लेबाजी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी होंगे। तो साथ ही साथ सरेश अय्यर और दीपक हुड्डा को भी इस सीरीज में मौका मिलने वाला है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी हमें इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों, गेंदबाजी की हम बात करें तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार जैसे शानदार गेंदबाज भी दिखेंगे। तो साथ ही साथ स्पिन गेंदबाजी में यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव कमाल करते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय टीम फिर भी काफ़ी मजबूत रहेगी इस सीरीज में, कुछ खास खिलाड़ियों के ना खेलने के बावजूद भी। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें एक बार फिर शिखर धवन की बल्लेबाजी पर होगी। तो साथ ही साथ दीपक हुड्डा, जो कि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा है, वो भी यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो उनसे भी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वैसे पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे शुभमन गिल एक बार फिर टीम इंडिया के लिए शानदार पारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो वहीं पर हाल ही में यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म भी काफ़ी शानदार लगी है, तो वो भी यहाँ पर बेहतरीन वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा दीपक चहर भी टीम इंडिया के लिए एक अहम गेंदबाज साबित हो सकते हैं इस सीरीज में। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम की काफ़ी शानदार स्क्वाड नजर आ रही है। तो चले दोस्तों, पूरी स्क्वाड को हम जान लेते हैं कि टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी इस सीरीज में हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम फिलहाल बात करें यहाँ पर टीम इंडिया की स्क्वाड की, तो टीम इंडिया के कैप्टन शिखर धवन है, जबकि वॉइस कैप्टन के तौर पर हमें दिखने वाले हैं संजू सैमसन। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल टीम इंडिया का ऐसा जो कि तीसरे खिलाड़ी है, तो चौथे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ हैं। वहीं पर पाँचवें खिलाड़ी के तौर पर सरेश अय्यर हैं, तो छठे खिलाड़ी ईशान किशन है, जबकि सातवें खिलाड़ी के तौर पर हमें सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। तो आठवें खिलाड़ी के तौर पर हमें दिखने वाले हैं शाहबाज अहमद, नौवें खिलाड़ी कुलदीप यादव हैं, तो दसवें खिलाड़ी मोहम्मद शमी है, जबकि ग्यारहवें खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद सिराज है, तो 12वें खिलाड़ी के तौर पर राहुल चहर है, जबकि 13वें खिलाड़ी के तौर पर यहां पर मौजूद है दीपक चहर, तो 14वें खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा है। वहीं पर 15वें खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर है, तो 16वें खिलाड़ी के तौर पर राहुल त्रिपाठी टीम इंडिया का हिस्सा है, जबकि 17वें खिलाड़ी के तौर पर यहां पर टीम इंडिया में जगह मिली है दीपक हुड्डा को, तो 18वें खिलाड़ी अर्शदीप सिंह है। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों, टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी काफ़ी शानदार नजर आ रही है, जो इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं कि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड तो काफ़ी शानदार है, जिसमें कई शानदार खिलाड़ी खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पूरे शेड्यूल की कि आखिरकार ये मुकाबले कितनी बजे शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा, जो कि 6 अक्टूबर को शुरू होगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर के 1:30 पर शुरू होगा, जबकि दूसरा ओडीआई मुकाबला रांची में खेला जाएगा। यह मुकाबला 9 अक्टूबर को खेला जाएगा, यह भी दोपहर के 1:30 पर ही शुरू होगा, जबकि आखिरी मुकाबला दिल्ली में खेला जाना है, जो कि 11 अक्टूबर को दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। सभी मुकाबलों को आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर। तो दोस्तों, क्या लगता है इन मुकाबलों में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस कर पाएगी? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।